बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को नशे की गंदी आदत थी। उनकी इस आदत से इंडस्ट्री में हर कोई वाकिफ है। एक बार तो संजय के साथ नाम, कब्जा, सड़क जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि संजय दत्त को शराब की इतनी बुरी आदत थी कि वो सुबह नाश्ते में शराब लेते थे। महेश भट्ट ने कहा कि उन्हें हीरोइन की भी लत थी, वो सुबह उठते ही नशा करने की सोचने लगते थे। इतना ही नहीं, खुद बॉलीवुड एक्टर ने भी ये कहा था कि ऐसा कोई ड्रग नहीं जो उन्होंने ना ली हो। एक्टर ने कहा था कि जब अमेरिका में वो रिहैब सेंटर में डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें एक लिस्ट दी जिसमें उन्हें उन ड्रग्स पर टिक करना था जो उन्होंने कभी लिए हैं। संजय दत्त ने खुलासा किया था कि मैंने हर एक ऑप्शन पर टिक कर दिया था। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। हालांकि संजय दत्त ने फिर खुद को संभाला और अपनी नशे की लत पर काबू कर लिया। अब संजय दत्त की इस लत को पूरे तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। जी हाँ, नशा छोड़ चुके हैं संजू बाबा। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर एक्टर के नशे में झूमते हुए वीडियोस वायरल हुए हैं। कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां संजय दत्त कर रहे हैं नशे में डांस। अब इन्हीं वीडियोस के बाद उनका मजाक बनाते दिखे कॉमेडियन मनीष पॉल। वेल, एक्टर कॉमेडियन मनीष पॉल एक पार्टी में थे। इस पार्टी में और भी कई लोग थे जिनका वीडियो में चेहरा तो नहीं दिख रहा, मगर वीडियो में मनीष पॉल ओ साकी साकी रे पर डांस कर रहे हैं। मनीष संजय दत्त की नकल उतार रहे हैं तो वहीं पीछे मौजूद लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद संजय दत्त के फैंस काफी नाराज भी हैं। वीडियो पर कोई कमेंट कर रहा है कि संजू बाबा ने देख लिया तो बहुत मारेगा, तो कोई लिख रहा है इसकी हिम्मत कैसे हुई। वेल, फैंस से ऐसे में हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लीजिए। मनीष पॉल्स एक्ट इन द पार्टी वॉज जस्ट फॉर फन। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।